प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन इस मुलाकात के बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये तस्वीर तब सामने आई जब भारत और यूएई के बीच कई समझौते हुए। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इन समझौतों के बीच एक महिला का नाम चर्चा में आ गया है। ये महिला है रिम इब्राहिम अल हाशमी। रिम अल हाशमी संयुक्त अरब अमीरात की इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मिनिस्टर हैं। रिम अचानक दो चीज़ों को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। सबसे पहला तो उनका हैंडशेक और दूसरा उनके कपड़े। इस वीडियो में आपको दोनों के बारे में बताएंगे। रिम अल हाशमी ने एक ही झटके में मुस्लिम कट्टरपंथियों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। भारत के मौलाना ये तस्वीरें ज़रूर देखें। सबसे पहले कपड़ों की बात कर लेते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिम ने अपनी परंपराओं का ध्यान तो रखा, लेकिन अचानक रूढ़िवादी सोच को भी चकनाचूर कर दिया। रिम बुरखे में है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ती हैं तो बुरखे के साथ उन्होंने एक गुलाबी पोशाक भी पहनी हुई है। गुलाबी पोशाक पहनकर रिम अल हाशमी ने दिखा दिया कि वो खुद को पूरी तरह से बुरखे में कैद नहीं करेंगी। उन्होंने दिखा दिया कि बुरका उनकी चॉइस पर्सनैलिटी और स्टाइल के बीच बाधा नहीं बनेगा। वो खुद को सिर्फ एक रंग में कैद नहीं करेंगी, इसीलिए उन्होंने गुलाबी रंग की पोशाक भी पहनी। आज कट्टरपंथियों को ये तस्वीरें बहुत चुभ रही होंगी, लेकिन कट्टरपंथियों को रिम अल हाशमी की दूसरी तस्वीर तो जीने ही नहीं देगी। अब आप रिम अल हाशमी को भारत के विदेश सचिवालय विनय क्वात्रा से हाथ मिलाते देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तो मुस्लिम महिलाओं के हाथ मिलाने तक के नियम तय कर रखे हैं। ये कट्टरपंथी शरिया का हवाला देते हुए बताते हैं कि महिलाओं को किससे हाथ मिलाना है, कब हाथ मिलाना है और कैसे हाथ मिलाना है। लेकिन रिम अल हाशमी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिलाया। सबसे पहले तो हैरान करने वाली बात यह है कि रिम ने हैंडशेक के लिए पहले खुद हाथ आगे बढ़ाया। ये चीज़ अपने आप में साबित करती है कि यूएई किस तरह से रूढ़िवादी सोच को तोड़ रहा है, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहा है। ठीक यही सऊदी अरब में भी हो रहा है।